एक गांव में गरीब बहुरानी अनामिका रहती थी। उस गांव के बगल में ही एक घना जंगल था। वहां से वो जला और लकड़ी काट कर शहर में बेचा करती थी और उन्हीं पैसों से जीविका चलाती थी। एक दिन जब लकड़ियां काट के वो जंगल से घर के तरफ जा ही रही थी, तभी एक पंख उसके ऊपर आके गिरा। उसने देखा एक सुनहरी मछली का सुनहरा पंख था वो। ये देखते ही वो काफी घबरा गई। अपने सर के ऊपर के सारी लकड़ियां गिरा के वो एक पेड़ के पीछे जाके छिप गई। उसे डरते देख सुनहरे पंख वाली मछली कहने लगी, मुझे देखकर मत डरो, मैं सुनहरे पंख वाली मछली हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरे एक पंख पे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। इस तरह वो सुनहरी मछली विनती करने लगी। पेड़ के पीछे छिप के देख रही अनामिका को उस मछली को देखकर बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर अनामिका उस सुनहरी मछली के पास गई। उसने देखा उसके पंख में चोट है, बहुत खून बह रहा है। सुनहरी मछली के शरीर से बहते हुए खून को देखकर अनामिका को बहुत दया आई। वो जल्दी से अपनी साड़ी को फाड़ी और उसी साड़ी से उस सुनहरी मछली को वो बांध दी। तुमने मेरा दर्द समझा, मेरे घाव पर तुमने अपनी साड़ी बांध दी, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं ये उधार मैं कैसे चुकाऊं, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैंने एक छोटी सी मदद की है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कहिए। अब मैं चलती हूँ, घर पर मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। पर जाने से पहले मुझ पर एक और उपकार कर दो ना। कैसा उपकार करूँ? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। इतना कहने पर अनामिका अपने बैग से पानी निकाली और उस मछली को पिला दिया। उस मछली ने अनामिका को तहे दिल से धन्यवाद कहा। अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ छोड़ाऊँ? जब तक ये चोट खत्म नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मुझे अपने साथ घर ले चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अनामिका। फिर अनामिका अपने साथ उस मछली को अपने घर लेकर आई। घर के सामने एक गड्ढा खोदा और उसमें पानी डाल दी। फिर उस सुनहरी मछली को उसने ले जाकर उस पानी में डाल दिया। अनामिका के दो बच्चे हरीश और भाव्या उस सुनहरी मछली को देखकर बहुत उत्साहित हो रहे थे। शारदा और प्रसाद भी अच्छे से देखभाल करने लगते हैं, उससे बातचीत करते हैं। हर दिन वो मछली को अच्छे से खाना खिलाया करते थे और उसकी अच्छी देखभाल करते थे। उन्होंने उस सुनहरी मछली को ढेर सारी बातें भी बताई। तुम्हारी ये सोने के पंख बहुत खूबसूरत है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें समुंदर का सारा सोना दूंगी, चलोगे तुम मेरे साथ बताओ? हाय भगवान, पर हमारे पास तो पंख नहीं है। मेरे पास है ना, मैं तुम लोगों को अपने ऊपर बैठा लूंगी और तुम लोगों को ले जाऊंगी। पर मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस तरह कुछ ही दिनों में मछली के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखते देखते अब मछली का घाव भी भर जाता है। अब वो मछली फैसला लेती है कि वहाँ से वो चली जाएगी। तभी एक दिन, अनामिका अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। अब तुमने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। सच में आ जाएंगी? कम से कम तुम्हारे लिए तो जरूर आऊंगी। ये क्या, अगर तुम चली गई तो हमें बहुत बुरा लगेगा। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है अनामिका, ये बंधन बहुत ही स्नेहपूर्ण है, कोई भी बहुत ही आसानी से घुल मिल जाता है और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मछली की बातें सुन के अनामिका बच्चे सभी की आंखें भर जाते हैं। मछली भी रोती है, फिर सभी को अलविदा कहकर वो हवा में उड़ जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। बरसात का मौसम होने के कारण बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से अनामिका जंगल नहीं जा पा रही थी, लकड़ियाँ नहीं काट पा रही थी, बेच नहीं पा रही थी और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि घर पे खाना नहीं था, बच्चे खाना के लिए रो रहे थे, इसलिए अनामिका बहुत परेशान थी। पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दीजिए ना। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं क्या करूं? अभी पानी पी लो। इस तरह हम कितने दिन पानी पी के रहेंगे माँ? बेटी के इस सवाल पे अनामिका के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो जाती है। तभी अचानक से सासू माँ शारदा को उस सुनहरी मछली की याद आती है। बहू, उस सुनहरी मछली के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा पूछने पे अगर उसे लगा कि इंसान लोग मदद के बदले मदद मांगते हैं तो?
इस तरह सभी लोग बात करते हैं और फिर चुपचाप हो जाते हैं। तभी एक दिन अचानक से वो सुनहरे पंख वाली मछली उनके घर आती है। सभी लोगों को देखती है। सभी लोग वहाँ पे बहुत दुखी और उदास थे। भव्या उस सुनहरी मछली के पास आकर उसका सर छूके रोने लगती है। इस तरह भव्या को रोते देख उस मछली को बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ मेरी नन्ही परी? बहुत भूख लगी है, पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। क्या एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया? ऐसा क्यों? आपको तो पता है ना, माँ जंगल जाके लकड़ियाँ लाके बेचती है, फिर पैसे आते हैं। उन पैसों से तब जाके घर में चावल दाल ये सब आ पाता है। तो क्या तुम्हारी माँ जंगल नहीं जा रही है? बहुत तेज बारिश हो रही है, माँ जंगल कैसे जाएगी? मैंने तुमसे कहा था ना अनामिका, जब भी कोई तकलीफ हो मुझे याद करना। अनामिका इस पे कुछ उत्तर नहीं दे पाई। फिर वो सुनहरी मछली सभी को अपने पीठ पे बिठाई और हवा में उड़ते हुए सभी को वो समुन्द्र के अंदर ले गई। समुद्र के अंदर उन्हें फलों के पेड़, चावल, दाल ऐसे सब चीजें दिखने लगती है। इतना ही नहीं, सोना हीरा सब जगमगा रहा था वहाँ। सभी लोग बड़े आश्चर्य होकर देख रहे थे। तभी भूखी भाव्या जल्दी से एक फल तोड़ के खाने लगती है। अनामिका, आज मैं जिस जिंदगी को जी रही हूँ वो बस तुम्हारे लिए, इसलिए जितना तुम्हें चाहिए, जो जो चाहिए सब ले जाओ। आप बहुत दानवीर हैं, पर बिना मेहनत किए हुए मैं ये सब नहीं ले सकती। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बताइए, वो काम करने के बाद मेरे काम को देखकर आपको जितना देना दीजिए। अनामिका की बातों से सच्चाई झलक रही थी। बड़े कहते हैं जैसा तुम बोओगे बिल्कुल वैसा ही काटोगे। वह अनामिका इसका एक जीवंत उदाहरण थी। ये सोचते हुए मछली चारों ओर देखने लगी। अनामिका, जो फल तुम्हें दिख रहे हैं उसे तोड़कर किनारे रख दो, जो लोग मछली लेने आएंगे वो उन्हें भी ले जाएंगे। इस तरह कहने पे अनामिका एक टोकरी लेके उन पेड़ों के पास जाती है और सारे फलों को तोड़ के उन्हें लाके रख देती है। फिर अनामिका ने जो काम किया उसके बदले सुनहरी मछली ने उसे एक सोने का बैग दिया। अनामिका बहुत खुश होती है। फिर सुनहरी मछली उन सभी को अपने ऊपर बिठाकर उनके घर आके छोड़ के जाती है। जाने से पहले अनामिका उस सुनहरी मछली को फिर से एक बार धन्यवाद कहती है। घर के बाहर गर्भवती अनामिका जलाओ की लकड़ियाँ काट रही थी। तभी घर की मालकिन सुशीला अपने हाथों में पैसे लेके वहाँ आती है। अनामिका, लकड़ी काटना बंद करो। बस दो तीन लकड़ियाँ ही बाकी है, अगर तोड़ लेती हूँ तो आज के लिए लकड़ियाँ तोड़ने का काम खत्म हो जाएगा। काफी है अनामिका, ऊपर से तुम गर्भवती हो, कितना कहती हूँ कि मत करो फिर भी तुम जलाओ की लकड़ियाँ लाके काटती हो। मुझे करना ही होगा, कोई चारा ही नहीं। जब से मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है वो पैर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठकर परेशान है, मुझे उन्हें कैसे भी सामान्य करना होगा, तभी तो जाके वो बाद में अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। तुमने जो तकलीफ की है वैसी तकलीफ सबको नहीं होती अनामिका, ये लो आज के जलाओ की लकड़ी के पैसे। फिर सुशीला पैसे देती है। अनामिका अपने कुल्हाड़ी को साइड में रख के पैसे ले लेती है। फिर वो उन पैसों को गिनती है। उसे दिखता है कि सुशीला ने कुछ ज्यादा पैसे दे दिए हैं। अरे अरे ऐसा नहीं, दया करके पैसे मत दीजिए, अगर आप मुझे मदद करना ही चाहती है तो आप मुझे कुछ काम दीजिए, फिर आपको जितना पैसा देना है आप मुझे दे सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं। इतना कहकर सुशीला के पैसे अनामिका लौटा देती है। तुम जैसे भले दिल के इंसान के साथ हमेशा भलाई होता है। सुशीला अपने पैसे वापस ले लेती है। अनामिका हाथ जोड़ के नमस्ते करती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब अंधेरा हो चुका था रमेश व्हीलचेयर पे बैठ के ही बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के ये गर्भवती अनामिका पता नहीं कहाँ चली जाती है, देखो अंधेरा हो गया है अभी तक लौट के नहीं आई। ऐसा वो सोच ही रहा था, थोड़ी देर में ही शारदा और प्रसाद मजदूरी का काम करके लौट आते हैं। दरवाजे के पास वो रमेश को व्हीलचेयर पे देखते हैं। क्या हुआ बेटा, इस तरह दरवाजे के पास किसका इंतजार कर रहे हो? अनामिका का राह देख रहा हूँ माँ, मेरे सो जाने के बाद पता नहीं वो कहाँ चली जाती है, काफी देर बाद लौट आती है, जब भी मैं उसे पूछता हूँ तो पता नहीं वो बात को घुमा देती है। अभी घर पे बहू नहीं है क्या? इसीलिए तो कह रहा है, इस गर्भवती हालत में कहाँ चली गई? इस तरह से सभी लोग गर्भवती अनामिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी अनामिका लौट आती है। अनामिका तुम कहाँ गई थी, ऐसा कौन सा पाप करके आई हो तुम? ये सुनकर
अनामिका के आंखें भर आती है। माँ जी, पिताजी, आप लोग अंदर चलिए, मैं आप सभी को सब साफ साफ बताऊंगी, चलिए अंदर चलिए। उसके इस तरह से कहने पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हॉल में जाते हैं। रमेश व्हीलचेयर पे बैठे बैठे अनामिका को गुस्से से देख रहा होता है। अनामिका अपने हाथ से पैसे निकाल के सासूमा शारदा के हाथों में देती है। माँ जी, आप और पिताजी उनकी सेहत को लेकर, मेरे अस्पताल के खर्च को लेकर परेशान थी, ये मैंने सुना था। पागल बहू, तुमने सुना हम क्या बात कर रहे थे? एक तो गर्भवती हो, ऊपर से जलाओ की लकड़ियाँ काट रही हो। नहीं नहीं बहू, हम कैसे भी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके बेटे की इलाज कराएंगे, देखना वो ठीक हो जाएगा। पिताजी, आप दोनों ने उस दिन क्या क्या बातचीत की थी? मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सुना है। उनके लिए महंगी महंगी दवाइयाँ चाहिए और हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम महंगी दवाइयाँ ले आ सके। इसीलिए पिताजी, 2-3 घरों में मैं काम करने की बात की हूँ, उससे पैसे आ जाएंगे। गर्भवती बहू के मुँह से ऐसी बातें सुन के शारदा और प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कुछ कह नहीं पाते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। मुझे माफ कर देना अनामिका, मैंने तुम्हें गलत समझा था। परेशान मत होइए, मैं अगर कहती कि काम के लिए जा रही हूँ तो ये सुनकर आप दुखी हो जाते। इसीलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था और ना ही मेरा कोई इरादा था, मुझ पे भरोसा कीजिए। इतना कहकर अनामिका व्हीलचेयर को धकेलते हुए बेडरूम में ले आती है। अगले दिन जब शारदा और प्रसाद मजदूरी के काम के लिए निकल ही रहे थे, तभी वो उनके पास जाती है। माँ जी, पिताजी, मैं भी आप लोगों के साथ मजदूरी करूंगी, विनती करने लगती है। थोड़ी देर बाद शारदा उसके बातों पे राजी हो जाती है। तीनों ही रमेश को सावधानी बरतने को कहकर वो मजदूरी के काम के लिए चले जाते हैं। शारदा और प्रसाद अपने काम की जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ गर्भवती अनामिका बिल्डिंग बनाने के काम के लिए ईटा ढोने लगती है। जब वो बाल्टी भर के ईटा उठा के सीढ़ियों से लेकर जा ही रही थी, तभी देखती है मालिक के 6 साल का बेटा जो सीढ़ियों से गिरने ही वाला था। वो जाके उसे जल्दी से पकड़ लेती है। अरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कहते हुए उसके पास आती है। सतीश अपने बेटे को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। फिर डॉक्टर के जांच करने के बाद, देखिए आप बिल्कुल उसे सही समय पे यहाँ लाए हैं, अगर और थोड़ी देर हो जाती तो शायद उसकी जान भी चली जा सकती थी। ये बात सुन के सतीश बहुत खुश होते हैं, पर उनकी पत्नी, अनामिका का ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। गर्भवती होने के बाद भी, सर पे एक टोकरी ईटा होने के बाद भी वो सीढ़ियों से उठ के गई और हमारा बेटा जो गिर गया था उसे जाकर वो उठाई। उसने आज हमारे बेटे की जान बचाई है, हमें उसे मदद करनी चाहिए। इतना कहने की जरूरत है क्या? घर जाने के बाद मैं सोचूंगा कैसे मदद किया जा सकता है। सतीश जब अपने बेटे को लेकर घर जा ही रहा था, तभी अनामिका जो गर्भवती थी अपने पति को व्हीलचेयर में बैठा के अस्पताल ले आती है। एक दूसरे से टकराती है। सर, बच्चा कैसा है? वो ठीक है, पर तुम यहाँ पे? कुछ दिन पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल ले आई हूँ। ऐसा क्या, फिर चलो। फिर सतीश अपने साथ अनामिका को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर डॉक्टर अनामिका को देखकर, पहले ही कहा है ना, महंगी दवाइयाँ लेनी होगी तभी तुम्हारा पति ठीक हो पाएगा, पर तुम कह रही हो कि उतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ। डॉक्टर साहब, अनामिका भगवान की दीवी मेरी बहन है, मेरे बेटे को दूसरी जीवन दी है, जितना खर्च होगा आप मुझे बताइए, मैं खर्च उठाऊंगा, बस जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दीजिए। ये सुनकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़ के सतीश को धन्यवाद कहते हैं। डॉक्टर भी खुश होकर रमेश की जांच करते हैं और महंगी दवाई रमेश को खाने के लिए देते हैं। फिर सतीश अपनी गाड़ी से रमेश और अनामिका को उसके घर तक छोड़ आता है। रमेश दवाइयाँ खाने लगता है। उधर शारदा, प्रसाद और गर्भवती अनामिका मजदूरी के काम में जाती है। 2 महीने के बाद धीरे धीरे अब रमेश चलने लगता है। इसी के साथ अनामिका अस्पताल में एक पुत्र संतान को जन्म देती है और इस तरह शारदा के घर में फिर से खुशहाली लौट आती है।